करने जा रहे हैं प्लस वन फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसका पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। व्हाट इज साइंस? साइंस जो है ये वर्ड लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है टू नो, जानना किसी चीज के बारे में। लेकिन देखिए, नॉलेज है, जानना है किसी चीज के बारे में, वो तो कुछ भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी वही है, किसी चीज के बारे में जानना ही है। लेकिन वो मैथमेटिकल, साइंस में क्या खास बात है ये समझिए। साइंस को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी नॉलेज है किसी भी फिनोमिना के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से हमें प्राप्त होती है। कि हमने कोई भी चीज़ ऑब्जर्व की है, हमारे आसपास है, कहीं पर भी है, ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ रिजल्ट निकाला, तब जो हमने प्राप्त की नॉलेज, वो नॉलेज क्या कहलाएगी, साइंस। तो साइंस क्या है, नॉलेज। ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, दैट इज द साइंस। उसे हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब वो नॉलेज हमारी जो है किसी चीज के बारे में हो सकती है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है। तो उसके आधार पर साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। साइंस को अगर हम कहें तो साइंस की टाइप, जैसे आपको अगर कहीं पूछ लिया जाए कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस, तो आप जैसे जनरली बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं, साइंस के की ब्रांच हैं ये, लेकिन साइंस दो ही प्रकार की है, टाइप दो ही हैं साइंस की, टाइप्स जो हैं साइंस की हम दो कहेंगे। वन इज फिजिकल साइंस एंड अनदर इज बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये हैं दो टाइप। फिजिकल साइंस क्या है, नॉलेज अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, और ये नॉलेज अबाउट लिविंग थिंग्स। ठीक है, और आगे फिर क्या है, इनके भी पार्ट्स हैं। जैसे कि फिजिकल साइंस में आपकी आ जाती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एट्सेट्रा, एंड द बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में जैसे आपकी बायोलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, एक जियोलॉजी होती है वो इसमें आती है, जियोलॉजी। जियो वर्ड अर्थ रिलेटेड, ठीक है, जियोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, तो ये हमारी जो है
नॉन लिविंग थिंग्स रिलेटेड है यानी फिजिकल साइंस, ये लिविंग थिंग्स रिलेटेड है यानी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, हम यहाँ स्टडी करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड फिजिस, जिसका मतलब है नेचर। तो फिजिक्स नेचुरल साइंस है, साइंस ऑफ नेचर। तो हम इसको कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो फिजिक्स क्या हुई? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना कोई भी हो सकते हैं, लाइक थंडरिंग, रेनिंग, अर्थक्वेक, मूविंग ऑफ ए व्हीकल, फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड, सब क्या नेचुरल फिनोमिना है। हम सब की स्टडी क्या है? फिजिक्स। ठीक है, तो ये फिजिक्स हुई, साइंस ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब आगे हम बढ़े कि फिजिक्स की टाइप क्या है, फिजिक्स में क्या क्या चीजें और हम पढ़ते हैं। तो उसको आगे जाने से पहले मैं दो टर्म आपको और यहां पर बताता हूं क्या है। साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड इज ए प्रोसेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब साइंटिफिक मेथड में क्या क्या इन्वॉल्व आप स्टेप होंगे, क्या क्या स्टेप होंगे कि हम क्या करेंगे किसी भी चीज को पहले ऑब्जर्व, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, देखा कोई भी काम हो रहा है, कोई फिनोमिना, कोई भी घटना है, उसको ऑब्जर्व करना। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ भी चीज हमने देखा तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन पे हम बनाएंगे हाइपोथेसिस, व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस हमारा एक आंसर होगा उस ऑब्जर्वेशंस के लिए, उस क्वेश्चन के लिए, दैट द क्वेश्चन इट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो वो एक हाइपोथेटिकल होगा, हमने बनाया कि ऐसा इसलिए हो सकता है हमने। अब वो क्या है, हाइपोथेसिस किया, फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स। हमने जो बनाया क्वेश्चन, क्या वो सही है गलत है, ठीक है, वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा उसका, उस एक्सपेरिमेंट से कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई वो सही है या गलत है। ठीक है, और फिर होगा कंक्लूजन। इस प्रकार किस चीज को हम सिस्टम से, एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको सोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, एक साइंटिफिक मेथड। क्लियर? अब हाइपोथेसिस आपके पास आ गए, तो वर्ड कई बार पूछ लिए जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस एंड थ्योरी? हाइपोथेसिस तो मैंने क्या क्या बताई आपको, व्हाट इज द हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक हमारा पॉसिबल आंसर है जो भी हमने अपने हिसाब से बनाया, इट इज द आंसर, पॉसिबल आंसर फॉर द फॉर ए क्वेश्चन दैट इज अराइजेज ड्यू टू, दैट अराइजेज ड्यू टू ऑब्जर्वेशंस। अब थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी? थ्योरी थ्योरी हमारे पास कोई भी सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम,
कोई भी नेचुरल सिस्टम उसका बिहेवियर हम कुछ लॉज से एक्सप्लेन करें, दैट इज दी थ्योरी। द थ्योरी इज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फिजिकल सिस्टम बाय सम लॉज, दैट इज थ्योरी। व्हाट इज थ्योरी? एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फिजिकल सिस्टम बाय सम लॉज। कोई नियम है, कोई लॉ है, उसके द्वारा हमने एक्सप्लेन किया, वो थ्योरी है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसको चेंज भी करना पड़ता, मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है टाइम के अनुसार। फॉर एग्जांपल कि इट टोल्ड मी, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, पेटोलमी ने थ्योरी दी थी जिसको कहा गया था जियोसेंट्रिक थ्योरी। पेटोलमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें उसने क्या कहा था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड इज एट रेस्ट, ऑल द हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। लेकिन ये बात गलत सिद्ध कर दी गई बाद में, जो है कोपरनिकस ने दूसरी थ्योरी दे दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और ये थ्योरी बदल गई, चेंज हो गई, जिसमें कहा गया कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड एट रेस्ट एंड ऑल द हेवनली बॉडीज इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी इसके बारे में आपको बताया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है हमारी फिजिक्स के ऊपर आते हैं। फिजिक्स जो आपको बताया, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना की जो साइंस है वो फिजिक्स है। अब फिजिक्स को भी डिवाइड किया गया है divided into two parts, one is classical physics and another is modern physics. क्लासिकल प्राचीन पुरानी, मॉडर्न नया। ठीक है, तो अप टू 1900, अप टू ईयर 1900 नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज क्लासिकल फिजिक्स, एंड आफ्टर 1900 जो भी फिजिक्स से पता चला वो मॉडर्न कहा गया। अब क्लासिकल फिजिक्स के कुछ पार्ट, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कह सकते हो आप, ऑप्टिक्स, यहां पर भी दो पार्ट आ गए, रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी कह दो। ठीक है, ये पार्ट्स हुए फिजिक्स के, क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स, उसमें क्या क्या है वो हमने बताया। अब इनको थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, यहां पर डिफाइन कर देते हैं वन बाई वन।
क्या बताइए? मैं सबसे पहले मैकेनिक्स। देखिए हम इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स आपको पता है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मोशन ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन दोनों याद आते हैं वैसे, ऑफ मैटीरियल ऑब्जेक्ट्स। मैटीरियल ऑब्जेक्ट मतलब मैक्रोस्कोपिक में कह सकते हो, मैक्रोस्कोपिक यानी कुछ बड़े साइज में, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एट लो स्पीड। ठीक है, जैसे कि मूविंग ऑफ ए व्हीकल, मूविंग ऑफ एन एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ये सब चीजें क्या है मैकेनिक्स में आती हैं। हमारी मोशन है किसी चीज का, किसी चीज के रेस्ट की पोजीशन है तो मैकेनिक्स में आती है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मल वर्ड जहां पर भी है मतलब टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे? एंड थर्मल बिहेवियर, थर्मल बिहेवियर ऑफ ए गैसीय सिस्टम। ठीक है, ये हम जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी होगा, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी होगा, सारा इसमें पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इसके अलावा ऑप्टिक्स, जो लाइट से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट एंड फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। ठीक है, ये ऑप्टिक्स में। इसके अलावा साउंड वगैरह भी हम इसमें पढ़ लेते हैं, इसी में क्लासिकल फिजिक्स में आता है। अब हम बात करते हैं कौन सी, मॉडर्न फिजिक्स की, जिसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो स्टडी ऑफ इनवेरियंस है, एक्चुअल में स्टडी ऑफ इनवेरियंस मतलब हमें यहीं पर जाकर पता चला था कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, मोशन के साथ स्पीड के साथ जो है वस्तुओं का जो मास है वो डिक्रीज होना, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था, सॉरी। तो स्टडी ऑफ इनवेरियंस है, और उसमें हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ द मटेरियल्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह दें, पार्टिकल्स कह दें, मूविंग एट ए स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसके बाद एक आपको जो बताई क्वांटम थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स क्या है?
स्टडी ऑफ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्वांटम फिजिक्स है। मतलब मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे इसमें, स्ट्रेस्ड मोशन ऑफ द, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक है इसमें, माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है, उनकी स्टडी इसमें की जाती है, इसमें क्वांटम फिजिक्स में। अब बात करते हैं हम स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप क्षेत्र विस्तार कहां तक है। तो देखिए, अभी हमने जाना है कि फिजिक्स का में जो हम काफी कुछ पढ़ते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविटी जो है, क्वांटम फिजिक्स, लो स्पीड, हाई स्पीड, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सब के बारे में स्टडी करते हैं, तो काफी कुछ इसके अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का स्कोप जो है बहुत ज्यादा है, वेरी वाइड है। कैसा है स्कोप ऑफ फिजिक्स? वेरी वाइड, बिकॉज वी स्टडी मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी को कहते हैं, तो ये सब इसके अंदर पढ़ते हैं फिजिक्स में। आल्सो साथ ही साथ इसके अंदर कुछ और भी बताएंगे कि रेंज, कि हम छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में, बड़े से बड़े पार्टिकल के बारे में, लाइट से लाइट और हैवी से हैवी पार्टिकल के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, स्मॉल से स्मॉल इंटरवल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवल के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। कुछ रेंज यहाँ पर आपको बताई गई, बता देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। इन फिजिक्स रेंज ऑफ मास, रेंज ऑफ मास बता रहे हैं हम, 10^-power अप्रोक्सीमेटली -30 kg टू 10^-power 55 kg, ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है मास ऑफ आवर यूनिवर्स। तो देखिए, फिजिक्स में स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लाइट पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसका भी मास मेजर कर लिया गया है, हमारा जो यूनिवर्स है उसका भी मास मेजर कर लिया गया है, तो मास की जो रेंज है वो काफी ज्यादा हो गई। रेंज ऑफ डिस्टेंस 10^-15 meter टू 10^26 दैट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज द साइज ऑफ यूनिवर्स। न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली इतना, और हमारे यूनिवर्स का जिसमें सब कुछ आया हुआ है ब्रह्मांड, उसका साइज लगभग इतना, ठीक है, तो ये भी मेजर कर लिए गए हैं। रेंज ऑफ टाइम, टाइम की रेंज,
तो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टाइम 10^-22, 23 अप्रोक्सीमेटली, अलग अलग मिल सकता कई बार आपको अलग अलग बुक में, सेकेंड से लेकर 10^18 सेकेंड, ये टाइम है टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये हमारी न्यूक्लियर डिस्टेंस और ये नियर अबाउट एज ऑफ यूनिवर्स। ये न्यूक्लियर डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, ये डिस्टेंस वो स्पीड ऑफ लाइट होती है 10^3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, टाइम कितना लगेगा, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप्रोक्सीमेटली 10^-23 सेकेंड नियर अबाउट, ठीक है। तो ये कम से कम समय है क्योंकि स्पीड सबसे ज़्यादा लाइट की है और सबसे कम डिस्टेंस ये है, इसको कवर करने में टाइम लगेगा सबसे कम लगेगा। तो ये सब कुछ हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो इसलिए हम कह देते हैं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं फिजिक्स का जो है रिलेशन, रिलेशन ऑफ फिजिक्स। वन बाय वन विद टेक्नोलॉजी, एक्चुअल में टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो लॉ हैं उनकी एप्लीकेशन से उनको अप्लाई करके जो भी हमें मिलता है उनसे वही टेक्नोलॉजी कहलाती है। जैसे कि बर्नौली थ्योरम, बर्नौली का जो लॉ था उसको स्टडी करने के बाद एरोप्लेन बना, टेक्नोलॉजी है। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट बेस्ड ऑन दी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी में है। थर्मोडाइनमिक्स के लॉ हैं उनको स्टडी करने के बाद हीट इंजन बना दिया गया। तो फिजिक्स का रिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ है, टेक्नोलॉजी फिजिक्स पे ही बेस्ड है। विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, भाई सोसाइटी में समाज में हम बहुत सारी चीजें ऐसे यूज कर रहे हैं तो फिजिक्स से मिली है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ से है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन कहाँ से है, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऊर्जा के स्रोत काफ़ी सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, फिजिक्स, ठीक है। हाई स्पीड कंप्यूटर्स, सुपर कंडक्टर्स पर बेस्ड है, फिजिक्स ने दी, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं डेली लाइफ में, अपने सराउंडिंग में देखो जो भी हमें चीजें मिल रही हैं काफी सारी, इलेक्ट्रिसिटी है विच इज मोस्ट यूजेबल इन सोसाइटी, दैट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी फिजिक्स। तो फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ भी है, रिलेशन विद अदर साइंस, जैसे कि रिलेशन विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है फिजिक्स का, कि जो एटम है एटम के बारे में कंपोजिशन ऑफ एटम इज एक्सप्लेन बाय द फिजिक्स एंड दैट इज यूजेबल
इन डिजाइनिंग दी पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल बनी है अरेंजमेंट जो है वो किसके ऊपर है, जब कंपोजिशन ऑफ एटम पता चला कि एटम का एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या, उनके आधार पर पीरियोडिक टेबल बनी, विच इज मोस्ट यूजेबल इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटेड है, रिलेशन विद बायोलॉजी। क्या दिया बायोलॉजी को, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप गिवन बाय फिजिक्स, दैट इज मोस्ट यूजेबल इन बायोलॉजी। ठीक है, रिलेशन विद एस्ट्रोनॉमी, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप दिया फिजिक्स ने जो एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूजेबल है। एस्ट्रोनॉमी क्या है, साइंस है, जिसमें हम जो हैं प्लैनेट्स, स्टार्स जो हैं, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, किससे किससे पॉसिबल है, टेलीस्कोप का बहुत यूज है। रिलेशन विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ भी फिजिक्स का रिलेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स आर यूज्ड इन फिजिक्स। रिलेशन तो है ही, वो ये जरूरी नहीं कि फिजिक्स ने ही दिया हो, भाई मैथ के टूल्स फिजिक्स में यूज हो रहे हैं। सिमिलरली फिजिक्स इज रिलेटेड विद अदर साइंसेज आल्सो, तो इस प्रकार फिजिक्स रिलेटेड है अलग अलग साइंस से। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे आगे। थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में चैप्टर में थोड़ा सा और बचता है कुछ, जैसे कि जो हैं फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में और कंजर्वेशन लॉ हैं, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, पढ़ें इससे इसे, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट में लिखें या आप जैसे भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। ओके, थैंक यू।